मैंने कभी सलमान और शाहरुख से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं की। जी हाँ दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। बॉलीवुड के तीनों खानों के बीच काफी बेहतर आपसी समझ और संबंध है। तीनों एक दूसरे की अहमियत को अच्छे से समझते हैं। जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने आगामी फिल्म जीरो की पटकथा सुनने के बाद शाहरुख खान का नाम सुझाया था, वहीं आमिर खान ने भी राकेश शर्मा की बायोपिक के लिए शाहरुख को फिल्म लेने का सुझाव दिया था। इस फिल्म की शूटिंग शाहरुख खान अगले साल शुरू करेंगे। आमिर के मुताबिक ऐसे बदलाव होते रहते हैं क्योंकि वो अपने किसी भी सह कलाकार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। आमिर ने एक इंटरव्यू में संवाददाताओं से कहा, मैं प्रतिस्पर्धी नहीं हूं और मैंने कभी सलमान और शाहरुख से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं की है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने मुंबई में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो शाहरुख खान के घर गए थे, तब शाहरुख खान ने उनका वार्डरोब दिखाया था जिसे देखकर आमिर खान चौंक गए थे। आमिर ने बताया कि शाहरुख खान का जितना बड़ा वार्डरोब है उतना बड़ा आमिर खान का मात्र घर है। आमिर खान कहते हैं, मैं शाहरुख खान को एक सफल अभिनेता के तौर पर देखता हूँ। मैं स्टार नहीं हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है, चार्मिंग है, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता है। मैं उनके घर गया हूँ, उन्होंने मुझे उनका वार्डरोब दिखाया। आप ये जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि उनका वार्डरोब मेरे घर जितना बड़ा है। इसके बाद आमिर खान हंसने लगे। गौरतलब है कि आमिर खान इस फिल्म में उनके अलावा अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख की अहम भूमिका है। फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया है। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। बताते चलें कि दिवाली के मौके पर आ रही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। भारत में सिनेमा स्क्रीन्स की संख्या कंफर्म हो चुकी है। ओवरसीज में अभी इसकी योजना बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रन टाइम यानी कि अवधि 2 घंटा 44 मिनट और 30 सेकंड है। भारत में फिल्म 5000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी, जिनमें से 4500 से कुछ अधिक स्क्रीन्स सिर्फ हिंदी भाषा के लिए होंगी, जबकि बाकी स्क्रीन्स तमिल और तेलुगु भाषा के लिए अलॉट की जा रही हैं। आपको याद होगा आमिर और अमिताभ बच्चन ने तेलुगु और तमिल में भी फिल्म को वीडियो बनाकर प्रमोट किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।